हे गाइस, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड, मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो है केक क्रीम के बारे में, यानी कि व्हिपिंग क्रीम के बारे में। व्हिपिंग क्रीम को कैसे बीट किया जाता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, सब आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। तो के दिनों में आपकी क्रीम कभी मेल्ट नहीं होगी, वो भी यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, जो ये लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, यहाँ पे मैंने माविस कंपनी की व्हिपिंग क्रीम ली है। आपको कोई भी बेकरी स्टोर में मिल जाएगी, या जहाँ पे केक का पूरा सा सामान मिलता है वहाँ पे आपको इजी तरीके से ये व्हिपिंग क्रीम मिल जाएगी। ये बहुत सारी कंपनियों की आती है, और ये 500 ग्राम में भी आती है और 1 लीटर में भी आती है। तो आपको जिस कंपनी की आपके एरिया में मिल जाए वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने माविस की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, और ये 100% वेज है, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला है। और ये मुझे करीबन 140 रुपीज़ में मिली है, इसकी MRP है। और एक्सपायरी डेट आप चेक करके ही हर बार क्रीम को परचेस करना। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट इसकी 12 मंथ की है। इस क्रीम से आप कोई भी केक या डेजर्ट बना सकते हो, कप केक को भी डेकोर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। आप जब भी दुकान से ये एक व्हिपिंग क्रीम लाए तो आपको सबसे पहले इसको फ्रीज़र में स्टोर करना है, और फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद आप जब भी केक बनाए और आपको यूज़ करनी है क्रीम, तो आप 1 घंटे के पहले ही फ्रीज़र में से उसको फ्रीज में रख दीजिए। यानी क्या होगा कि फ्रीज़र में रखी होगी क्रीम, तब वो थोड़ी सी बर्फ़ फॉर्म में होगी, और आप जब भी उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैकेट थे, तो उसमें एक यूज़ किया हुआ था और एक फुल पैकेट था। तो मैंने यूज़ किया था, उसमें से मैंने क्रीम यूज़ की है यहाँ पे। और आपको एक बात और ख़ास ध्यान रखनी है कि जो भी बाउल में आप क्रीम को बीट कर रहे हो उसको आप 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। यानी कि जो बाउल हो वो एकदम चिल्ड यानी ठंडा होना चाहिए, और जिस भी बीटर से आप बीट कर रहे हो क्रीम को, उसी बीटर को भी आपको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में चिल करने के लिए छोड़ देना है। इससे आपको एक अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने बाउल और जो बीटर्स स्ट्रिप बीटर्स थे उन दोनों को कपड़े की मदद से पोंछ लिया, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 300 वॉट का फिलिप्स का इलेक्ट्रिक बीटर है। केक क्रीम के लिए, व्हिप क्रीम के लिए हमें 300 प्लस या 300 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर काफ़ी है। तो बस आप एक बार परचेस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ठंडा बाउल था उसको मैंने कपड़े की मदद से अंदर से पोंछ लिया है। तो यहाँ पे एकदम ठंडी सी व्हिपिंग क्रीम 1 कप ली है, ये 250 ml है। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। सबसे पहले हम स्पीड 1 पे उसको 2 मिनट बीट करेंगे। और आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप क्रीम को बीट करें तब आपको क्या करना है कि बाउल को गोल गोल घुमाते जाना है, और जो बीटर है उसको भी बाउल के हर एक किनारे पे जाके बीट करना है क्रीम को। यानी इससे क्या होगा कि जो बीच वाली क्रीम है वो अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, पर जो बाउल के आजू बाजू है वो बीट नहीं होगी। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्पीड 1 पे हम क्रीम को बीट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जो क्रीम है गाढ़ी होने लगी है। और एक ख़ास टिप्स आपको और टिप और देना चाहूँगी कि आप जब भी गर्मियों की सीज़न में क्रीम को बीट कर रहे होते हो तो आपको क्रीम के नीचे भी और एक बाउल रखना है, और उसके अंदर आइस क्यूब और चिल पानी भी रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी क्रीम बीट करेंगे तो हमारी क्रीम गर्मी की वजह से मेल्ट नहीं होगी और अच्छी तरह से वो बीट हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 मिनट होने वाले हैं और हमारी क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े से लेयर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से स्टिप पिक आने लगे, बट हमें और इसको बीट करना है। अभी मैंने स्पीड 1 पे ही इसको बीट कर रही हूँ। तो 2 मिनट हो जाए तब तक आपको इसको गोल गोल घुमाते जाना है बाउल को और क्रीम को बीट। तो
दो मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं स्पीड 2 पे जाके इसको फिर से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी। हमें लगातार इसको 2 मिनट के लिए बीट करना है। और हाँ, आपको बाउल भी ऐसे घुमाते जाना है तो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी बीट की जाती है। और अगर आपको ये वीडियो देखना है कि फूड प्रोसेसर में कैसे व्हिपिंग क्रीम को बीट करी जाती है, तो उसका वीडियो भी मेरी चैनल पे है, तो आप ज़रूर जाके उसे चेक कर देना। आप धीरे धीरे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े से लेयर आने लगे हैं, यानी कि हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो रही है। थोड़े से लाइट स्टिप पिक आ चुके हैं, बट हमें इसको और बीट करना है अच्छी तरह से, जब तक अच्छे से स्टिप पिक ना आ जाए। और यकीन मानिए, ये 5 मिनट में ही बीट हो जाती है, तो आपको फटाफट अच्छा सा रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा अगर आप इस तरह से बीट करोगे तो। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैं स्पीड 3 पे 1 मिनट के लिए और इसको बीट करूँगी, तो हमें 5 मिनट में तो हमारी क्रीम मिल जाएगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप जो लेयर देख सकते हो, बस वही साइन है कि हमारी क्रीम जो है अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, तो हमें और इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है। बहुत ही अच्छी तरह से क्रीम घर पर भी आप इस तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर सकते हो। और अपने तो बस 1 मिनट के बाद आप देख पाओगे कि बढ़िया से स्टिप पिक आ चुके हैं क्रीम में। तो पेचुला की मदद से भी चेक करेंगे और बाउल को उल्टा करके भी चेक करेंगे कि क्रीम नीचे गिर रही है या नहीं। तो हमारी क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, यानी इसका ये मतलब है कि एकदम परफेक्ट बीट हुई है। आप इसी टिप और ट्रिक के साथ क्रीम को बीट करेंगे तो आपकी क्रीम नहीं मेल्ट होगी कभी। तो आप जान लेते हैं कि क्रीम को हमें बीट करने के बाद किस तरह स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिंग रैप की मदद से बाउल को कवर कर रही हूँ, और अच्छी तरह से कवर करने के बाद मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। आपके पास एयरटाइट कंटेनर हो तो आप उसमें भी क्रीम को डाल के ढक्कन ढकने के बाद उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और ये क्रीम आप 5 से 6 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो, तब तक ये बहुत अच्छी चल जाती है। और जो हमने यूज़ नहीं की है, यानी बीट नहीं की है जो क्रीम, उसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए, और उसकी एक्सपायरी डेट जब तक की हो तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप क्रीम में कलर ऐड करें तो आपको क्या करना है कि लिक्विड कलर यूज़ नहीं करना है, हमें व्हिप क्रीम में जेल कलर ही यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि हमारी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। आप जब भी लिक्विड कलर ऐड करोगे तो आपकी क्रीम थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगी, बट जेल कलर से वो मेल्ट नहीं होगी, तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। तो अब ये नहीं बीट की हुई जो व्हिपिंग क्रीम है उसको कैसे स्टोर करना है, तो हमें इसे फ्रीज़र में ही स्टोर करना है। बट आपको क्या करना है कि उसको सेलो टेप या कोई भी एयरटाइट कंटेनर में उसको डाल के उसको फ्रीज़र में स्टोर करना। मेरे पास ये ढक्कन वाला है, तो वो मैं ढक्कन बंद करने के बाद उसको फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। बट आप उसको ऐसे खुला मत छोड़ देना, वरना आपकी क्रीम पूरी बेकार जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बस आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी फ्लावर डिज़ाइन मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो बस इसी तरह से क्रीम को बीट करिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।